फरीदाबाद में इस साल कांवड़ यात्रा लेकर जाने पर पाबंदी है, जिसको लेकर भोले के भक्त भी प्रशासन के फैसले के साथ हैं। लेकिन इनके मन में थोड़ी सी निराशा जरूर है। कई ऐसे भी लोग हैं जो पिछले 18 से 19 सालों से लगातार कांवड़ लेकर आ रहे हैं। विनय सिंह की रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद में इस साल जो भोले के भक्त है उनको थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है, क्योंकि कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। लेकिन फिर भी ये भक्त कहते हैं कि रोक लगाना भी जरूरी है, क्योंकि नहीं तो कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता। हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो पिछले कई सालों से कांवड़ लेकर जा रहे हैं फरीदाबाद से, और फिर फरीदाबाद में आके जलाभिषेक करते हैं। कितने सालों से आप कांवड़ लेकर आ रहे हैं? मैं जी 19 सालों से जा रहा हूँ, अब मेरी 20वीं कांवड़ थी। इस साल आप कांवड़ नहीं लेके आ पाएंगे, हालांकि ये फैसला सरकार का काफ़ी अच्छा है, लेकिन कहीं आपको दुख भी होगा? दुख तो बहुत है, क्योंकि हमारे पाँव जो है वो तो इन दिनों में डगमगाते हैं कि हरिद्वार चलो और कांवड़ लाएँ भोले बाबा की। लेकिन क्योंकि सरकार जिस प्रकार से कोरोना संकट है, महामारी है, तो हम भी सरकार का समर्थन करते हैं, सरकार के साथ हैं, अब की बार नहीं जाएंगे, क्योंकि जान है तो जान है, अपना बचाव ही सबसे बड़ी। कुछ किस तरह की तैयारियां आप लोगों ने, अगर आपको जाने की इजाज़त मिलती, अगर ये कोरोना काल ना होता, सब कुछ सामान्य होता, तो किस तरह की तैयारियाँ आप लोग करना शुरू कर देते हैं? तो हम अपनी वही विशाल कांवड़, डाक कांवड़, दवाई सेवा, हर प्रकार की व्यवस्था करते हैं, जाते हैं और वहाँ से फिर आते पदयात्रा करते हैं। पदयात्रा। एक बुजुर्ग महिला भी हैं जो कि कांवड़ लेकर आती हैं। और माता जी, ये बताइए कि आप कांवड़ लेकर हर साल जाते हैं, इस उम्र में जाते हैं, क्या आप पैदल जाते हैं, किसी गाड़ी में जाते हैं? बेटे स्कूटी पर लेके आई हूँ मैं, दो तो एक पैदल लेके आई हूँ। कोई थकावट नहीं होती, आराम से आ जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अजीब सा चाह हो जाता है, कांवड़ का महीना आते अजीब सा चाह हो जाता है कि लेके आऊँ। इस साल थोड़ी सी निराशा हुई है कि इस बार नहीं जा पाएंगे आप? हाँ, निराशा हो रही है, फिर भी विश्वास है, क्या पता ले आई, मन में अभी विश्वास है। भोले से आप प्रार्थना करेंगे कोरोना खत्म हो जाए? हाँ, भोले से प्रार्थना करेंगे, खत्म हो जाएगी खत्म। इतने बताइए, आप भी कांवड़ को लेकर आ रहे हैं लंबे समय से, जाहिर तौर पर बात है आपको भी निराशा होगी, लेकिन सरकार का फैसला भी ठीक है? वो तो जरूरी है, लेकिन क्या इस टाइम दुख तो हर किसी को है, जो सच है, जो है गलत है हिसाब से, मतलब बाकी माता रानी अपने आप मेरे करेगी, कोई ना कोई रास्ता बनेगा तो जरूर जाएंगे भी, सही, ऐसी बात नहीं है। और इस टाइम बेटा रेडी भी है, जो बस सच है, उसके इस टाइम मन में बहुत भाव है, वो इस टाइम नाराज है, मतलब हिसाब से अंदर उसकी जाने की बहुत इच्छा है, लेकिन हमने उसे खुद कह रखे जैसे संगत जाएगी तो उसके साथ जाने में कोई रोक टोक नहीं करेंगे हम। हाँ जी, सच्चाई। फरीदाबाद में जो भोले के भक्त हैं उनके मन में कहीं ना कहीं हल्की सी टीस जरूर है कि वो इस बार अपने भोले के लिए जल नहीं लेकर आ पाएंगे, लेकिन इनको इस बात का सुकून है कि जो प्रशासन ने फैसला लिया है कांवड़ को रोकने का, वो सही लिया है। विनय सिंह, टोटल न्यूज़, फरीदाबाद।